तीन महीने गवर्नमेंट चली, तीन महीने इलेक्शन कोड था। जैसा इलेक्शन कोड हटा, हमारे मुख्यमंत्री साहब मास्टर स्ट्रोक मार दिए, बोलते ना छक्का स्टेडियम के बाहर नहीं, शहर के बाहर छक्का मार दिया हमारे रेवंत रेड्डी साहब। पूरे बोले इतना है कैसा मारता, पर इतना ही छे, पर खतरनाक मारता, पर आगे जाके मारते रहेगा। 6,50,000 करोड़ उधार रहने के बावजूद हमारा ये शख्स पहले से मेरे लिए हीरो था, आज बड़ा हीरो बन गया। उधारों के बाद भी अपना वादा निभाया साहब। हम जो वादे करते वो जमीन पे लाते। 6 से 7 महीने के अंदर आरटीसी को हम 2,100 करोड़ दिए। आरटीसी जो लॉस में थी, आज आरटीसी फायदे में आ गई। हर खवातीन को जो हम वादा करे 2,500 रुपए, बुजुर्गों को जो हम वादा करे 4,000 रुपए, जिस तरीके से हम घर बनाने के लिए 5 लाख देंगे बोले, और आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम पैसा दे देंगे बोलेंगे, ये पूरे बातों पे हम अटल है। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तदार कांग्रेस हुकूमत का बेहतरीन व इंतहाई ज्यादा शानदार कारनामा। तेलंगाना में लाखों किसानों के कर्जे जात को माफ कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने रियासत भर के 110 हलकों में लाखों किसान खानदानों से ताल्लुक रखने वाले लाखों किसानों के कर्जे जात को माफ करते हुए इन्हें कर्ज के बोझ से आज़ाद कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने फसलों के कर्ज की माफ़ी के तौर पर करोड़ों रुपए जारी करते हुए किसान खानदानों में बेहतरीन खुशी फराहम की है। इस खबर के साथ ही तमाम किसान खानदानों में खुशी व जश्न का माहौल देखा जा रहा है। नामपली असम्बली हलके के कांग्रेस पार्टी के कॉन्टेस्टेड MLA फिरोज खान ने एक शानदार प्रोग्राम का अहतमाम करते हुए राहुल गांधी व तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नामपली असम्बली हलके के तमाम कांग्रेसी लीडरान, पार्टी वर्कर्स और आवाम की कसीर तदाद मौजूद थी। इस मौके पर फिरोज खान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल जितने भी वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तारीख में अब तक किसी भी हुकूमत ने इस तरह का बेहतरीन कारनामा अंजाम नहीं दिया। साथ ही साथ फिरोज खान ने साबिका BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद का इजहार किया। इन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में कई सारे किसानों ने कर्ज के बोझ से परेशान होकर खुदकशी कर ली, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तदार में आने के बाद तमाम किसान कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले बेहतरीन व राहती खिदमात से खूब ज़्यादा खुश व मुतमईन है, और कांग्रेस हुकूमत के इख्तदार में आने के बाद से एक भी किसान ने खुदकशी नहीं की। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम का मकसद है, कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी जो काम करे हैं फार्मर्स का जो लोन है माफ करके, आज तक आजादी के बाद हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर या हिंदुस्तान की कोई रियासत एक स्ट्रोक के अंदर 31,000 करोड़, फिर से बोल रहा हूं, एक स्ट्रोक के अंदर 31,000 करोड़ और उसके अंदर 2 लाख तक जो
गरीब किसानों के ऊपर लोड था। आप पूरे मिलेंगे तो 39 लाख फार्मर्स, और ये 39 लाख फार्मर्स को उनके परिवार के साथ 60 लाख लोग उधार लिए। बीआरएस पार्टी 2014 में जब उसके मैनिफेस्टो में रखी कि हम 1 लाख का उधार माफ करेंगे, 18 में भी सेम बात बोले आप, तो हम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं 2014 से 2018 आप 12,000 करोड़ माफ करें, कौन केसीआर, 2018 से 2033 आप 16,000 करोड़ पे माफ करें, पूरा मिला के 10 साल के अंदर 28,000 करोड़ आप माफ करें। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने से पहले राहुल गांधी 6 मई के दिन 2022 वारंगल में जब फार्मर्स का डिक्लेरेशन करे और ये बात बोले हैं कि हम 2 लाख तक जैसा हमारी हुकूमत आएंगी एक स्ट्रोक के अंदर हम उधार माफ कर देंगे, तो ये पूरा जमाना और पूरा अपोजिशन हमार को मजाक बनाया। और आज हमारा मुख्यमंत्री जो काम कर दिए इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आज का और जो कल का माहौल था पूरे तेलंगाना के अंदर एक ईद का माहौल है। आज नामपल्ली के अंदर फार्मर्स लेंगे, किसान लेंगे, पर खाली हम आके आज रेवंत अन्ना को जो दूध से धुलाए और गांधी जी को जो हम दूध से धुलाए, सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम, जो किसान होता वो गरीब और मजबूर है, वो ये सोच के उधार लिया कि उसका कुछ अच्छा होगा, उसके खानदान का कुछ अच्छा होगा, उसकी औलाद का कुछ अच्छा होगा, पर वक्त और हालात ऐसे रहते कि नुकसान में गिर जाता। और आज आपके चैनल के सामने मैं बताऊंगा एक फार्मर और एक गरीब कितना खुददार रहता। 2-4 लाख लोन है तो एक फार्मर के दिमाग में आता, अरे पूछने वाला कोई आया घर को, अरे मेरी बेटी के सामने, मेरे बेटे के सामने, मेरी बहू के सामने, मेरे दामाद के सामने, मेरे भाई के सामने, मेरे पड़ोसी के सामने इज्जत गई बोल के वो फार्मर जाके खुदकशी करता। साहब कितना खुददार रहता, कितना ईमानदार रहता। और वो नीरव मोदी रहो, चौस्की रहो, विजय माल्या रहो और तमाम बट्टेबाज लंगे सवो हजारों करोड़ लेके हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते साहब, वो लोग सुसाइड नहीं करते। तो ये बात हमारे मुख्यमंत्री के दिमाग में थी कि ये गरीब किसान की मदद हम करना। आज हम नामपल्ली में सेलिब्रेशन इसलिए करें, एक स्ट्रोक के अंदर 31,000 करोड़ हम खर्चा कर दिए साहब, और एक भी फार्मर का उधार नहीं रहेगा। और जो आज आप काम करें, जहां तक मेरे को इतला है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी जब 70,000 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में आप माफ करें, पर एक रियासत है तेलंगाना। आज मैं मुख्यमंत्री को बोला, मुख्यमंत्री साहब जैसा आरोग्य श्री आया था और जैसा एम्बुलेंस कुई 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 करते हुए आती थी तो कांग्रेस और राज सेक्रेटरी का नाम गूंजता था। आज भी जिसको घर मिले देखते कि अरे इंद्रम्मा दिए, इंद्रम्मा दिए,
40 साल पहले दिए, पर इंदिरा दिए वैसी थे रेवंत अन्ना, तुम भी इतिहास में आज सुनहरे पन्नों पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, कांग्रेस पार्टी का, तेलंगाना का। तो जो कांग्रेस काम नामुमकिन काम, अपोजिशन 1 लाख बात करी, आज हम ये बताना चाह रहे कि जिस तरीके से 31,000 करोड़ हम फार्मर्स के माफ करें, उसी तरीके से कल के दिन जो हम 6 गारंटी दिए, कल के दिन जो हम 6 गारंटियां दिए, जिसमें खवातीन को, हमारे बुजुर्गों को और बच्चों को पढ़ाने को, हम जो भी वादा करें, आप कांग्रेस पे इतबार रखिए, हम जो वादे करते वो जमीन पे लाते। केसीआर चांद का वादा करा और जमीन की खाक रे दिया, उसके लिए आवाम क्या करी, उसको लेके लेके जाके कांकी बिठा दी उसको, ये कांग्रेस पार्टी को मालूम। और राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा, और स्टेट पे जब होने वाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देख के तमाम आवाम कांग्रेस पार्टी को पावर में लाई। आज लोग बोलना स्टार्ट करे अपोजिशन, सिर्फ आप फार्मर्स को दे दिए तो हो गया क्या? अरे भाई, मैं आपको प्रेस में आज बताना चाहता हूं, भाई हमारे 6 गारंटी में 1 गारंटी तो पूरी मुकम्मल तरीके से चल रही, और वो है ट्रांसपोर्ट RTC, जहां पे महिला फ्री ट्रांसपोर्ट में फिर रही। खाली मैं आपको उसको छोटा हिस्सा बताना चाहता हूं, 6 से 7 महीने के अंदर RTC को हम 2100 करोड़ दिए, 2100 करोड़ हर महीना, 300 करोड़ RTC को। RTC जो लॉस में थी, आज RTC फायदे में आ गई। इसी तरीके से हर खवातीन को जो हम वादा करें 2500 रुपए, बुजुर्गों को जो हम वादा करें 4000 रुपए, जिस तरीके से हम घर बनाने के लिए 5 लाख देंगे बोले, और आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम पैसा दे देंगे बोलेंगे, ये पूरे बातों पे हम अटल है, हम पूरे वादों के ऊपर बराबर हम निभाएंगे। 3-6 महीने आज हुए, 3 महीने गवर्नमेंट चली, 3 महीने इलेक्शन कोड था, जैसा इलेक्शन कोड हटा हमारे मुख्यमंत्री साहब मास्टर स्ट्रोक मार दिए, बोलते ना छक्का, स्टेडियम के बाहर नहीं शहर के बाहर छक्का मार दिया हमारे रेवंत रेड्डी साहब, पूरे बोले इतना है कैसा मारता, पर इतना ही छे, पर खतरनाक मारता, पर आगे जाके मारते रहेगा। तो ये पूरों की जो खुशी है आज जो पूरे हमारे कैडर में और तमाम फार्मर्स के घरों में जो खुशी है, वो खुशी बांटने के लिए आज हम नामपली में, और इंशाल्लाह जितने भी हम वादे हैं हम उसको पूरे करेंगे। और आवाम को हम ये बात बोल रहे हैं, जितने भी वादे हैं आपके घर तक आएंगे। और एक बात दिमाग में रख लीजिए, कई लोग ये बोल रहे हैं हम पैरवी करते, हमारे तरफ से आपको मिलेगा, ये बात को आप नजरअंदाज करिए, कांग्रेस पार्टी देरी, बस ये दिमाग में रखिए, आपको जो भी स्कीम आपके घर तक आएंगे, अगर से आप फॉर्म सबमिट भी नहीं करें कोई गम की बात नहीं, हर एक ऑफिसर आपके घर तक आएगा, और जो हम पूरे वादे करें इंशाल्लाह पूरे वादे पूरे करेंगे। जब हम पावर में आए तो जब 6,50,000 का उधार कर दिया था KCR, बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बोल के छिप्पे का तेलंगाना बना दिया, लाखों करोड़ की आमदनी जो तेलंगाना की थी, जो सरप्लस स्टेट था उसको उधारों का स्टेट बना दिया KCR, 6,50,000 करोड़ उधार रहने के बावजूद हमारा ये शख्स पहले से मेरे लिए हीरो था, आज बड़ा हीरो बन गया।
उधारों के बाद भी अपना वादा निभाया साहब, ये खुशी की बात है। अरे जेब में पैसा है बात, कोई वादा नहीं निभाता। जब सर पे उधारी के बाद भी ये गरीब फार्मर्स कोई सुसाइड से नहीं मार रहा, आगे जाके कोई बच्चा नहीं मार रहा, कोई खवातीन, कोई बुजुर्ग भूखा नहीं सोना, कोई लाचार नहीं रहना, कोई कमजोर नहीं रहना। और जो बंगारू तेलंगाना सोने का तेलंगाना का ख्वाब आप देख के तेलंगाना हमारे को दिलाए, बराबर इंशाल्लाह जो सोनिया गांधी तेलंगाना दिलाई, बराबर और तुक्कुगुड़ा में सोनिया गांधी का वादा था 6 गारंटियां हो जाएंगे, और आज का जो वादा राहुल गांधी कह रहे थे वरंगल डिक्लेरेशन से, राहुल गांधी का वादा हम निभा दिए। इंशाल्लाह दुआ करिए सोनिया गांधी का भी वादा निभा देंगे, 6 गारंटी की स्कीम हर घर तक, हर गरीब तक, हर मुफलिस तक, कोई धर्म, कोई जात, कोई पात हम देखने वाले नहीं है। जिसको भी जरूरत है इंशाल्लाह क्या भी करेंगे, खुद अपने आप को गिरवी रखेंगे, मगर आपके घर तक वो पैसा ला के देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रे। जश्न आजादी हिंद के जिम्मन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश, आइए अमराज से आजादी वो छुटकारा पाए। 15 जुलाई ता 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है, माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशाविरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाजों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना, अवाम की खिदमत ही मीना हॉस्पिटल का नस्बुलाइन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहां पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासअप टैंक फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,